आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। राम गिरीश राय पीजी कॉलेज दुबौली गोरखपुर और राम गिरीश राय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज दुबौली गोरखपुर से बीएड कोर्स कर रहे द्वितीय सेमेस्टर के छात्र प्रशिक्षु छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं ने कल्चरल एक्टिविटीज के दौरान आज रंगोली और पेंटिंग रंगोली तो बनाए हैं, पेंटिंग इसके बाद बनेगा और उसके बाद मतलब इसके अगले कल्चरल एक्टिविटीज़ कार्यक्रम के दौरान जो है योगा कुकिंग का भी कार्यक्रम होगा। तो आज इस मौके पर इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार साहिज जी से हम खास इस रंगोली के बारे में कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, आज ये प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिकाओं ने अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो अपनी कला और सामाजिक बुराइयों को और जागरूकता अभियान को भी अपने इस रंगोली के माध्यम से दिखाया है, तो इस रंगोली कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहते हैं सर? दरअसल हमारा ये जो जीवन है, ये जीवन ही सात रंग से बना हुआ है। आप देखेंगे तो सूर्य में भी सात रंग होते हैं और सूर्य से ही ये सारी प्रकृति संचालित होती है और हम जिस रंग को भी देखते हैं या जो भी देखते हैं वो सातों रंग में किसी न किसी रंग को समेटे हुए हैं। आज नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में शिक्षा के अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और ये पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कॉलेज में आज रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और विभिन्न आने वाले दिनों में कई और प्रतियोगिताएं संचालित की जाएंगी। आज जो भी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं ने रंगोली बनाया है, प्रस्तुत किया है, सबके पीछे कोई न कोई एक थीम है, एक मैसेज है। इन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से उस मैसेज को कन्वे किया है और मैं इसके लिए अपने कॉलेज के सभी शिक्षक और सभी छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं को शुभकामना देता हूं कि वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अभी इसके बाद पोस्टर प्रतियोगिता होगी और फिर ये कार्यक्रम लगातार 3-4 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलता रहेगा। चूँकि ये एक पाठ्यक्रम का अब हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग पहले से भी करते रहे, अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया है तो हम लोग को करना है। सर, ये रंगोली में खास करके बेटी बचाओ भ्रूण हत्या जैसे मामले को उठाया गया है तो वास्तव में आज भी जीवंत है मुद्दा, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा एक संदेश के रूप में आप? संदेश ये है कि हम ये हमारा महाविद्यालय तो सबसे अधिक आप देखेंगे तो यहाँ बेटियाँ ही पढ़ रही हैं। हम लोग तो इसको कह नहीं रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। हमारे यहाँ देखेंगे तो अल्पसंख्यक में पुरुष हैं, हमारे तो बेटियाँ देखिए जहाँ देखिए बेटियाँ हैं। तो इसलिए ये मैसेज अब इसमें परिवर्तन हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ शिक्षा अभी नहीं पहुँच पाई है या अभी वो उस ढंग से जागरूक नहीं हो पाए हैं। ये चीज़ें हैं, अभी बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी समाज धीरे धीरे आज इससे निकल रहा है। पूरी तरह से निकल जाए तब इस मैसेज की सार्थकता होगी। सर, आपने समय दिया है और गहन ऑब्जर्वेशन किया है, इनका हौसला बढ़ाया है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।